ये तस्वीर है तबाही की, उस तबाही की जिसमें 4 साल का बच्चा जिंदा आग के भेंट चढ़ गया। ये तस्वीर है उस तबाही की जिसमें 2 वक्त की पाई पाई इकट्ठा करने वाले मजदूर के सिर से आशियाना छिन गया। तबाही का ये मंजर जिला ऊना के गांव बसाल की है, जहां रविवार को प्रवासी मजदूरों की झुग्गियों में अचानक से आग लग गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। प्रचंड गर्मी और हवाओं के बीच आग ने रौद्र रूप धारण करते हुए 4 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच एक झुग्गी में प्रवासी मजदूर का 4 साल का बच्चा खेल रहा था, जबकि उसके परिजन काम पर गए हुए थे। आग की चपेट में आने से बच्चा जिंदा जल गया। बच्चे के माता पिता जब काम से लौटे तो बच्चे की मौत की खबर सुनकर बेसुध हो गए। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आग की लपटें देख स्थानीय लोग और प्रवासी मजदूर आग बुझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन कोई भी आग पर काबू नहीं पा सका। की आग लगी हुई है, हमने अपने ग्रामीणों ने काफ़ी कोशिश की इस पे काबू पाने की, लेकिन नहीं कर पाए। और फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया, जब तक फायर ब्रिगेड आनी थी तब तक प्रवासियों का एक बच्चा जो बीच में था वो पूर्ण रूप से जल गया और उसकी मृत्यु होगी। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि उसे निकालें, लेकिन नहीं निकाल पाए। वहीं सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अग्निकांड में सब कुछ जलकर खाक हो गया था और 4 साल का बच्चा भी आग में जलकर दम तोड़ चुका था। आग की घटना में करीब 1 लाख का नुकसान आकाश रहा है। अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस आग के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।